अपडेट आ रही है कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। सो फिल्म के बारे में बात करें तो पिछली फिल्मों की तरह ही हॉरर कॉमेडी होगी, जिसे अनीस बाजमी डायरेक्ट करने वाले हैं। और बात करें इसके रिलीज डेट की तो फिल्म अगले साल यानी 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। सो इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है साई धर्म तेज की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म विरूपक्षा को लेकर, जिसका टीजर आउट हो गया है। तो फिल्म के बारे में बात करें तो एक क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर होगी, जिसमें साई धर्म तेज के साथ संयुक्ता मेनन रोल में होने वाली है। और बात करें इसके रिलीज डेट की तो फिल्म 21 अप्रैल को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नडा में रिलीज होगी। और हाँ, इसका हिंदी ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सो जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कपिल शर्मा की मोस्ट अवेटेड फिल्म जुविंग 2 के लेकर, जिसका ट्रेलर आउट हो गया है। सो फिल्म के बारे में बात करें तो एक फैमिली ड्रामा होगी, जिसमें कपिल शर्मा के साथ ससाना गोस्वामी लीड रोल में होगी। तो वहीं से नंदिता दास ने डायरेक्ट किया है। और बात करें इसके रिलीज डेट की तो फिल्म 17 मार्च को रिलीज होने वाली है। सो इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, इसका ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सो जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म भीड़ को लेकर, जिसकी पहली झलक यानी फर्स्ट क्लिप आउट हो गया है। सो फिल्म के बारे में बात करें तो एक ब्लैक एंड व्हाइट होगी, जिसमें राजकुमार राव के साथ आशुतोष राणा और भूमि पेडनेकर लीड रोल में होगी। तो वहीं से अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। सो इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अल्लू अर्जुन को लेकर, जिनकी अगली फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, जिसे कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा डायरेक्ट करने वाले हैं। हालांकि फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल सामने नहीं आया है। सो अगर फिल्म से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।